हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड यू वाचिंग अवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। देखो आज वीडियो में क्या स्पेशल होगा। कल के दिन मैंने बात किया था कि लार्ज के म्यूचुअल फंड बहुत ही कम परसेंटेज में अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। आज मैं कुछ एक म्यूचुअल फंड आपके सामने लेके आया हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। देखो मैं जो आपके सामने आज डाटा रख रहा हूँ वो सिर्फ एक साल का है। सिर्फ एक साल के बेसिस पर मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है वही सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। कभी भी ये गलती ना करें कि एक साल के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सिलेक्शन ना करें। देखिए उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना चाहिए, क्या क्या आपको देखना चाहिए, वो मैं कई बार वीडियो में बताया हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ वैसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, पाँच ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपने कैटेगरी एवरेज को एक साल के ड्यूरेशन में बीट कर रहे हैं। देखो बहुत ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, उसके लॉन्ग ड्यूरेशन को देखो तो एग्जैक्टली वो अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट किया है, लेकिन एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। तो आज के दिन में एक्सिस ब्लू चिप फंड लिस्ट में नहीं है। कैनरा रैपको ब्लू चिप फंड अगर देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड का। कंसिस्टेंसी के मामले में आप दो साल, तीन साल, पांच साल सिंस इंसेप्शन का डाटा देख लो, वाकई में रिटर्न के मामले में काफी स्ट्रांग है, लेकिन एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। तो आज ये म्यूचुअल फंड लिस्ट में नहीं है। इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड है? सबसे फर्स्ट नेम जो मैं नाम लूंगा यहाँ पे, कोटक ब्लू चिप फंड। इस एक साल के ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-71% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न कितना है? 62% के राउंड यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। देखो क्या ये एक साल जो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, क्या दो साल, तीन साल, पाँच साल और सिंस इंसेप्शन में बीट कर रहा है? तो दो साल में भी देखें तो ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तीन साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, पाँच साल में भी और सिंस इंसेप्शन के डाटा को भी देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वो दूसरा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है? एग्जैक्टली बहुत बड़ा नाम मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। एक साल के ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने 69% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 62% का रिटर्न है, बीट किया है और रैंक विद इन कैटेगरी भी काफ़ी स्ट्रांग है। क्या इस म्यूचुअल फंड ने लंबे ड्यूरेशन में या मीडियम टर्म में कैटेगरी एवरेज को बीट किया? तो साल में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज के आसपास का रिटर्न दिया है, तीन साल में इस म्यूचुअल फंड ने भी कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न दिया है, पाँच साल में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और सिंस इंसेप्शन में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर देखा जाए तो दो साल और तीन साल के डाटा में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया और रैंक विद इन कैटेगरी भी कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। देखो हम वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए तीसरा कौन सा म्यूचुअल फंड है? तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जो लाया हूँ बहुत बड़ा नाम एएमसी। एएमसी के नाम पे सबसे अव्वल है एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड। एग्जैक्टली इसका देखें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और उसका एक साल का जो रिटर्न है वो 72% के राउंड रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज का 62% है, बीट किया है। यहाँ पे दो साल के अगर डाटा को देखें तो भी इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तीन साल, पाँच साल और सिंस इंसेप्शन में इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। रैंक विद इन कैटेगरी भी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुल मिला के कहूँ तो वाकई में इस म्यूचुअल फंड ने लंबे समय में भी और यहाँ पे एक साल के डाटा को भी देखें तो उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। फोर्थ नंबर पे वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो एक साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है? यहाँ पे देख सकते हो मिराय एसेट लार्ज के फंड। मिराय एसेट लार्ज के फंड का अगर एक साल का डाटा देखें तो 67-68% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 62% का रिटर्न है। दो साल के डाटा को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तीन साल के डाटा को देखें तो कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, पाँच साल में और सिंस इंसेप्शन में इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और रैंक विद इन कैटेगरी भी काफ़ी अच्छा। यहाँ पे जो मैं नाम लेके आया हूँ फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, इस फंड का अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो 79% के राउंड है, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न सिर्फ 62% का है। इस म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, लेकिन दो साल के डाटा को देखें, तीन साल के डाटा को देखें, यहाँ पे पाँच साल के डाटा को देखें और सिंस इंसेप्शन के डाटा को देखें
काफ़ी निराश हमें यहाँ देखने को मिला है, चाहे आप रैंक विद इन कैटेगरी को देख लें या आप कैटेगरी अब इसको बीट करने के मामले में यहाँ पे परफॉर्मेंस को देख लें, इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी निराश किया है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड लेके आया था जो अपने 1 साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी अब इसको बीट कर रहा था। कोटेक ब्लू चिप फंड, बिराई एसेट लार्ज के फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये 5 ऐसे म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखा था। अब देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं कई बार इन्वेस्टर को बताया हूँ जो 1 साल के ड्यूरेशन में सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, रैंक विद इन कैटेगरी काफ़ी स्ट्रांग है, अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं, क्या वैसे म्यूचुअल फंड के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो मैं इन्वेस्टर को कई बार बताया हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, आप हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें जिसका रिटर्न के मामले में आपको कंसिस्टेंसी दिखे। इट मीन्स चाहे लंबे समय में हो या शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, हमेशा वो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करे, तो वैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। देखो हमें बेंचमार्क से भी कंपेयर करना चाहिए, क्या वैसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क परफॉर्मेंस के रिटर्न से ज़्यादा है कि नहीं। इस 5 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड ऐसा भी है जो 1 साल के ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है, लेकिन लंबे समय में 2 साल 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। फ्रैंकलिन इंडिया की बात कर रहा हूँ, ब्लू चिप फंड की। वाकई में क्या ऐसे म्यूचुअल फंड पे बिलीव कर सकते हैं? नहीं, ऐसे म्यूचुअल फंड पे बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न के मामले में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं। 2 साल और 3 साल के डाटा में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं, तो ये भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के मामले में, कैटेगरी एवरेज को बीट करने के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपके सामने यहाँ 5 म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, आपको अपना रिसर्च जरूर करना है। मैं यहाँ पे आपके सामने 5 ये म्यूचुअल फंड लेके आया था जो अपने 1 साल के ड्यूरेशन पे बीट कर रहे हैं और अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। इन 5 म्यूचुअल फंड से भी अगर आप बोलोगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आप एडवाइस करोगे, तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखूंगा, कोटेक ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड और यहाँ पे मीरा एसेट लार्ज के फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखूंगा कि इन 3 म्यूचुअल फंड पे आप भरोसा कर सकते हो, चाहे आप शॉर्ट ड्यूरेशन का डाटा देखो या लॉन्ग ड्यूरेशन का डाटा देखो, काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखो मैं आपके सामने जो रिसर्च लेके आया हूँ ये कोई सही नहीं है कि आपका व्यूज़ और मेरा व्यू मैच करे, हो सकता है आपका रिसर्च थ्योरी कुछ और कहता हूँ, लेकिन जिस पॉइंट पे मैंने एनालिसिस किया है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप अगर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहते हो इन सारे म्यूचुअल फंड में से, तो अपना रिसर्च जरूर करें, कोई भी वीडियो पे भरोसा करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें। देखो होता क्या है, आप वीडियो पे भरोसा करते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, बाद में अगर आपके साथ कुछ धोखा होता है तो फिर बोलते हो यार इस वीडियो के चलते तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। इसलिए अपना रिसर्च जरूर करो, चाहे कहीं भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अपना रिसर्च थ्योरी जरूर होना चाहिए और उसके बाद ही आप एक अपना इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डिसीजन लो। चलो ये था आज का वीडियो, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आए क्वेरी जनरेट करें, आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।